चलो चलो चलो। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। आई एम बैक विथ अनदर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं चेरापूंजी, जिसका स्थानीय और आधिकारिक नाम सोहरा है। यह मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित एक बस्ती है फ्रेंड्स। और सबसे पहला जो हमारा व्यू पॉइंट है वो है डिम्पैप वैली, जो अभी आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं चेरापूंजी और लगभग 15 टू 20 मिनट्स और लगेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूं कि ये जो आप लोग मैगी देख रहे हैं ये 50 रुपीज़ का है फ्रेंड्स। जो जनरली हम लोगों को 10 रुपये का पैक आता है वो यहां पे आपको 50 रुपीज़ में मिलने वाला है। तो इसीलिए आप लोग या तो ब्रेकफास्ट अपना खुद से अरेंज कर लें या फिर पहुँच के जैसा आपको सही लगे वो करें, क्योंकि ये तो 50 रुपीज़ का काफ़ी महंगा लगा मुझे। सड़क किनारे लगी दुकानों के पास से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है फ्रेंड्स, जिससे नीचे जाकर आप घाटी के नज़ारों का मज़ा भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो रोमांच के शौकीन हैं उनके लिए यहाँ जिपलाइन की सुविधा भी है, जिसके लिए 2000 रुपये आपको देने होंगे। फ्रेंड्स, हमारा अगला स्पॉट है इको पार्क, जो चेरापूंजी मेघालय के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। यह चेरापूंजी शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण है और पिकनिक के लिए भी यह काफ़ी अच्छा प्लेस माना जाता है। एंट्री फीस है दोस्तों यहाँ पे 20 रुपये पर हेड। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट स्पॉट इज मौसमाय केव्स, जिसके लेफ्ट साइड में आपको कुछ फ्रूट्स के दुकान देखने को मिलेंगे। और रेट्स की बात जहां तक है यहां बिल्कुल सही रेट्स है फ्रेंड्स। ये जो मील है ये आपको 90 रुपीज़ का मिलेगा, वेज मील है और बिल्कुल सही है, आप इसे खा सकते हैं। दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम एंट्री गेट पे और एंट्री पर हेड है 30 फॉर एडल्ट्स और बच्चों के लिए 20 रुपीज़। फ्रेंड्स, मौसमाय गुफाएं चूना पत्थर से बनी हैं और मेघालय की एकमात्र गुफा होने का गौरव प्राप्त करती है, जिनमें पर्याप्त रोशनी है ताकि पर्यटक इसकी प्राकृतिक संरचनाओं का आनंद ले सके। हालांकि गुफाएं काफ़ी लंबी हैं, परंतु केवल 150 मीटर की दूरी ही पर्यटकों के लिए खुली है।
तो भाई जो भी 6 फीट या उससे अबव हो सावधानी से आना है यहाँ पे। फ्रेंड्स हमारा अगला स्पॉट है नोकालिकाई वाटरफॉल, जो इंडिया का सबसे बड़ा प्लंज टाइप वाटरफॉल है, जिसकी ऊंचाई 1115 फीट और चौड़ाई 75 फीट है। अब कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं फ्रेंड्स। ये माना जाता है कि प्रपात के निकट स्थित सीधी खड़ी चट्टान से कभी एक स्थानीय खासी लड़की ने छलांग लगा दी थी। उस लड़की का नाम था लिकाई, जिसके नाम पर इस झरने का नाम नौका लिकाई पड़ा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्पॉट की ओर, जो है अरवा केव्स। फ्रेंड्स अरवा केव्स मेघालय के सबसे प्रसिद्ध गुफाओं में से एक है और नियमित पर्यटकों के लिए ये काफ़ी सुलभ भी है। यह अपने जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें आप रोशनी से जगमगाते अंदरूनी हिस्सों में देख सकते हैं। खासकर गुफा के अंत में आपको गुफा की चूना पत्थर की दीवारों में क्रस्टेशियन सेल और मछली की हड्डियाँ जीवाश्म रूप में मिलेंगी।
सो फ्रेंड्स, ये केव तो यहीं पे ख़त्म होता है और यहाँ पे आपको बैठने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। आप यहाँ बैठ के थोड़ा देर शांत मन से कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि फिर यहाँ से रिटर्न ही होना पड़ेगा आप लोगों को और आगे कुछ केव में है नहीं। चलिए अब रिटर्न होते हैं। फ्रेंड्स, इतना घूमने के बाद तो फिर से भूख लगेगा ही, और आप वहाँ से आ जाइए ऑरेंज रूट्स, जो है प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। काफ़ी सही है ये, क्योंकि 300 रुपीज़ में आपको प्रॉपर एक मील मिल जाने वाला है यहाँ पे। हाइजीन का भी अच्छा खासा यहाँ पे ध्यान रखा है इन्होंने। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो है एलिफेंट फॉल्स। चलिए अंदर देखते हैं। दोस्तों, एलिफेंट फॉल्स में एंट्री के लिए आपको 100 रुपीस पर हेड का चार्ज देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एलिफेंट फॉल्स को सेवन सिस्टर फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। कई छोटे छोटे झरने एक साथ गिरते हैं और एक छोटे से रास्ते के सहारे झरने के नीचे भी जाया जा सकता है, जहां एक छोटी सी झील बनी हुई। फ्रेंड्स, झरने का मूल खासी नाम काक शायद लाई पातेंग खोहसिव है, जिसका अर्थ होता है तीन चरणों वाला झरना। यह नाम अभी भी स्थानीय स्तर पर प्रयोग किया जाता है, हालांकि आधुनिक नाम को झरने के पास एक साइन बोर्ड द्वारा समझाया भी गया है। इस नाम की उत्पत्ति ब्रिटिश काल में हुई, जब अंग्रेजों ने झरने के पास एक विशाल चट्टान देखा जो हाथी की तरह दिख रहा था। यह चट्टान सन 1897 में आए भूकंप के कारण नष्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था सफ़र शिलोंग और चेरापूंजी का। हालांकि सारे प्लेसेस तो कवर नहीं हो पाए, बट जितना हो सका उतना मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर लें। अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।